नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में फिल्म सिटी को लेकर। बिहार में फिल्म सिटी बनने का सपना बहुत ही जल्द साकार होने वाला है। बता दें कि बिहार सरकार फिल्म सिटी को लेकर तत्परता दिखानी शुरू करती है। बताया जा रहा है कि राजगीर के नीमा गाँव में बनने वाले फिल्म सिटी में एक बार फिर से काम में तेजी लाई गई है, यानी कि इसकी कार्य में शुरुआत कर दिया गया है। बता दें कि राजगीर में 20 एकड़ में इस फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि अगले माह से इसके निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इसके निर्माण होने के साथ साथ नई फिल्म नीति भी बनाई जाएगी, जिससे कि फिल्म सिटी का विकास हो सके। फिल्म सिटी के जमीन अधिग्रहण को लेकर बोलते हुए बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि फिल्म सिटी बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही फिल्म सिटी को लेकर नीति का निर्धारण किया जाएगा। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म सिटी यानी कि फिल्म की नीति को लेकर विभागीय बैठक की गई, जिसमें दूसरे राज्यों की फिल्म नीति का भी अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें स्टूडियो के साथ साथ होटल, डॉर्मेट्री, ऑफिस सहित अन्य सुविधाएं होंगे, यानी कि इन सुविधाओं पे फिलहाल बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके निर्माण में 142 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई है। फिल्म सिटी निर्माण को लेकर मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग उन लोगों से भी संपर्क साध रहा है जो कि बिहार से बाहर अभिनय की दुनिया या फिर निर्देशन की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाए हैं। विभाग उनसे संपर्क साध रहा है ताकि आने वाले दिनों में जब फिल्म सिटी की शुरुआत की जाएगी तो इसमें उन कलाकारों से मदद ली जाएगी, उनसे सुझाव लिया जाएगा कि हम कैसे जो है बिहार के इस फिल्म सिटी को आगे बढ़ाएं, क्या इससे हम इसको डेवलप करें ताकि लोग यहाँ पे आ सकें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म सिटी के निर्माण में इस बात का भी ध्यान दिया जाएगा कि बिहार के युवाओं को इस रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। बता दें कि दूसरे राज्य के लोग भी बिहार में आकर फिल्म को, साथ ही अगर बिहार सरकार के लोग अपने प्रदेश में फिल्म बनाना चाहते हैं, यानी कि बिहार के लोग अगर अपने प्रदेश में फिल्म बनाना चाहते हैं तो उन्हें बिहार सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी, उन्हें सहयोग किया जाएगा। इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया गया कि फिल्म सिटी में किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली है। इस फिल्म सिटी के अंदर आर्ट गैलरी, लेमिनेशन, शूटिंग थिएटर, स्टूडियो फैसिलिटी, टोटल प्रोजेक्ट, डिजिटल कैमरा, अत्याधुनिक सुव्यवस्थित लैब, फिल्म स्क्रीनिंग लैब, ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो, डिजिटल प्रोजेक्टर, थिएटर आदि सुविधाओं से लैस एक तरह से कह लें कि यह पूरा जो फिल्म सिटी वो होगा, एक तरह से कह लें कि यह पूरा फिल्म सिटी जो होगा, आधुनिक जितनी भी सुविधाएँ हैं किसी भी फिल्म को बनाने को लेकर, वो सारी सुविधाएँ जो है इस फिल्म सिटी के अंदर बिहार सरकार की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले सप्ताह ही अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने फिल्म नीति बनाने और वहां पर काम में तेजी लाने की बात कही है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार में कितने दिनों में फिल्म सिटी बनकर तैयार होता है और बिहार के जो कलाकार हैं, बिहार के जो अभिनेता हैं, उनकी जो लंबे समय से ये मांग चली आ रही है कि बिहार में एक फिल्म सिटी हो, ताकि यहाँ के कलाकार यहीं रहकर काम कर सकें, यहाँ के फिल्म मेकर जो है यहाँ पे अपने मन मुताबिक एक अच्छा काम कर सकें, लोगों को बता सकें कि हम ये काम कर सकते हैं। ऐसे में अब देखना है कि कितनी जल्दी जो है बिहार में फिल्म सिटी बनती है और वो कौन सी पहली फिल्म होगी जो कि बिहार फिल्म सिटी के अंदर बनकर तैयार होगी। इन सब का इंतज़ार हमें बरसों से है और लंबे समय से इसको लेकर कयास भी लगाई जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।